हेलो दोस्तों, टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शाओमी के रेडमी नोट 3 के एंटूटू बेंचमार्क और कुछ फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। जो फीचर है वो है मेक योर लॉक स्क्रीन वॉलपेपर इज कन्वर्जेशन बैकग्राउंड। ये मेरे कुछ पिछले वीडियो में रह गया था, इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा। पहले हम इसके एंटूटू बेंचमार्क के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये शाओमी रेडमी नोट 3 में अभी लेटेस्ट मार्च में अपडेट हुआ है, तो इसकी परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट है या डिक्रीमेंट है वो चेक कर लेते हैं। यह हमने एंटूटू बेंचमार्क की एप्लीकेशन को खोल लिया, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने बैकग्राउंड में कुछ भी ऑन नहीं किया है ताकि किसी की परफॉर्मेंस कोई फ़र्क ना पड़े। ये हमने टेस्ट पर क्लिक कर दिया तो ये चेक कर रहा है, और ये 3D जो खुल गया है, थोड़ी चेकिंग हो रही है। मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर देता हूँ। एंटूटू बेंचमार्क एक फेमस बेंचमार्किंग स्कोर है जो काफ़ी फेमस है। इसमें आपके जीपीयू, सीपीयू, रैम, सारी मोबाइल की कैपेबिलिटीज़ की चेकिंग होके एक स्कोर आता है। मार्शमेलो अपडेट से पहले इसका स्कोर लगभग 74 to 75,000 के अबाउट रहता था। अब हम देखते हैं मार्शमेलो अपडेट के बाद अब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इसको के लिए फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो 3D चेकिंग थी, इमेज चेकिंग है और डिस्प्ले क्वालिटी की चेकिंग थी, वो पूरी हो चुकी है। अभी ये कुछ अगले टेस्ट कर रहा है। 50% चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देख लीजिए, ये 95% तक कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बेंचमार्किंग स्कोर है कंप्लीट होने ही वाला है। देखते हैं मार्शमेलो के बाद रेडमी नोट 3 पर, जो कि स्नैपड्रैगन के 650 पर आधारित है, कितना स्कोर मिलता है। और आप देख सकते हैं इसका स्कोर आया है 78386, तो ये एक माइनर इम्प्रूवमेंट है। तो आप देख सकते हैं मार्शमेलो अपडेट के बाद इसमें कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया है। सीपीयू का स्कोर, 3D स्कोर आप सारे देख सकते हैं। मैं फोकस करता हूँ, देख सकते हैं सारे स्कोर। तो ये था एंटूटू बेंचमार्किंग स्कोर। अब मैं आपको मार्शमेलो के नए फीचर, जो कि है मेक योर लॉक स्क्रीन वॉलपेपर एज योर कन्वर्सेशन बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। ये फीचर मेरे पिछले दो वीडियो में रह गया था। मैं पिछले दो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कार्ड्स में भी दे दूंगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने वो फ़ीचर को ऑफ़ करके रखा है, अभी मैं बताता हूँ उसे कैसे ऑन करते हैं। तो मैं अपने नंबर पर कॉल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बिना उस फीचर के जो कॉल आता है उस टाइम स्क्रीन कैसी दिखती है। तो देख सकते हैं ये कॉलिंग के टाइम ये ऐसी स्क्रीन दिख रही है। अब मैं इसे काट देता हूं और अब मैं आपको इस फीचर को ऑन करने के बारे में बताता हूं। तो पहले आप फ़ोन पर जाइए और जो लेफ़्ट साइड में बटन है उसे प्रेस एंड होल्ड कीजिए। इसमें आपको वो फ़ीचर मिल जाएगा। तो इसमें आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आपको कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो है डिफ़ॉल्ट कर रखा है,
अगर मैं इसे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कर देता हूँ तो ये वही स्क्रीन आ जाएगी जो मैंने लॉक स्क्रीन पर सेट कर रखा है वॉलपेपर। जैसे कि देख सकते हैं अभी मैंने लॉक स्क्रीन पर यह सेट कर रखा है। अब मैं आपको फिर से कॉल करके बताता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट करने के बाद। ये मैं अपने नंबर पे फिर से कॉल कर रहा हूँ, आप देखने देखिए आप कि ये वॉलपेपर वही वॉलपेपर आ गया है जो मेरा लॉक स्क्रीन पर था। तो ये था एक मार्शमेलो का नया फीचर। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया और इसको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर वाली वीडियो में ऐड कर दिया। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको Redmi Note 3 ख़रीदना है तो मैं उसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।